तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मतलब एक नई वीडियो का मतलब कि देखो, हर दिन नया होता है ना। हर दिन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है, कुछ बातें कॉमन होती है, कुछ ना कुछ तो हम नया करते ही हैं ना, सभी लोग। ठीक है, तो अभी जो है शाम के 6 बजे हैं और तारीख है आज, तारीख भी बता देती हूँ, वैसे मैं बताती नहीं। मैं मैक्सिमम मेरे ताज़ा ही वीडियो जाते हैं, बहुत कम होता है। बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा तब होता है ऐसा कि मैं मतलब पुराने वीडियो डालती हूँ जो मैंने शूट करके रखती हूँ, अदरवाइज़ मेरा ऐसा नहीं है। तो अभी तारीख, कल चला जाएगा वीडियो। आज जो तारीख है वो है 8 तारीख। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, फिर से नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, 8 अप्रैल है आज। आज है 8 अप्रैल 2023 और शाम का वक्त है। शाम के बजे हैं, पूरे 6 बज गए हैं। बाल्टी मैंने वहाँ पे रखी है, वो देखो मैं कर रही हूँ दूध की गाड़ी का इंतज़ार, गाय दूध कैटी। और एक वीडियो का अभी जस्ट यहीं पे एंड करा, दूसरी की शुरुआत करी। तो ऐसा ही होता है फ़ोन, मतलब जैसे हम वीडियो डालते हैं, हमारा ये देखो, ये एक रोजी रोटी भी है ये, और आप लोगों के साथ कनेक्टेड भी हैं, तो आपको हमारे दिनचर्या का पता होता है कि ये कब क्या कर रहे हैं। और कई बार तो इतना ज़्यादा प्यार होता है आप लोगों को हमारे साथ, सच्ची बता रही हूँ कि बस अब बात भी करें ना, मुझे नहीं पता सबके साथ होता, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मेरी वीडियो में कुछ नया नहीं होता, मैं जानती हूँ मेरे वही पुराने काम होते, लेकिन मैं बोलती भी हूँ, आप उसको भी बहुत ध्यान से सुनते हो। मेरी वीडियो की जो एवरेज है वो बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी। इसका मतलब आप मुझे सुनते हो तो मुझे पता लग जाता है, बाकी जो बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, रोज़ उनका धन्यवाद करना चाहूँगी सच्ची में। और सबके लिए माता रानी से दुआ है, लवर है, हेटर है, सबके लिए। दूध की गाड़ी आ गई, बाल्टी भी उठा लेती हूँ। तो आज अभी थोड़ा सा वीडियो आधा रह गया था, चटनी बनाई थी मैंने पुदीने की, उसको मैंने तड़का लगाना, नहीं तो फिर जो खटाई ना वो कच्ची रह जाती है गले में। पहले ही प्रॉब्लम है, निर्जा दीदी आए थे वो चले गए, फिर मैंने रोक दी थी वीडियो। देखिए सूर्य 6 बजे भी कहाँ रहता है अभी। ये चली गई दूध की गाड़ी और दूध मैंने दे दिया है। तो ये देखिए जो यहाँ का जो मौसम होता है ना, ये देखो इस टाइम ना बड़ा सुहावना मौसम है। अब गर्मियाँ शुरू हो गई है, वीडियो बनाने का भी मजा आता है, ठंड में तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी, अभी 2 महीने तक हमारा दूध बस 2-3 किलो जाएगा। अब सिया ही देती है, दूसरी को तो छोड़ दिया क्योंकि जो बिंदु है उसको 8वां महीना लग चुका है, 8वां महीना लग चुका है उसको 25 तारीख से। तो कितना कितना है ना, अब वो दे रही है, मैंने तो उसको वैसे ना 7 महीने बाद छोड़ देना चाहिए पशु को, पर वो दे रही है 1 किलो। अभी मैं एक ही टाइम दूती हूँ उसको, लेकिन अब मैंने कल से ना उसको 3रे दिन ऐसे एकदम भी नहीं छोड़ सकते, क्षणों में दूध हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाद में क्या देगी वो, फिर बाद में नहीं वो देगी दूध, उसको फिर से बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना पड़ेगा, फिर पशु को कमजोरी भी आती है इस तरह से। तो बस अब सिया का दूध है, सिया का दूध उसकी बच्ची के लिए भी चाहिए होता है, घर के लिए भी चाहिए होता है। और 4 महीने हो जाने सिया को, परसों सुबह 10 तारीख को। तो चलिए अभी शाम सुबह का ही बचा है जो कुछ भी, आज नहीं मैंने कुछ नहीं बनाना, नहीं पापा गांव में खाएंगे खाना, क्योंकि वहाँ पे वो लकड़ियाँ फाड़ने गए, एक फंक्शन आया मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अभी जो है मेरे को हरे घास की डाल लेनी है वहाँ पर जाके परे प्याज के बीच में, फिर प्याज भी नींदना है, कल परसों तक प्याज भी नींदूँगी। फिर आज मैं वो घी बनाऊंगी अभी जाके, और चटनी में वो बनाई पुदीने की बनाई थी मैंने, उसमें तड़का लगाना, मैंने प्याज भी नहीं डाला था उसमें सुबह, ठीक है। तो अभी हम लगाएंगे इस चटनी को तड़का, जो मैंने पुदीने की बनाई थी दिन को, थोड़ी सी आधी रह गई थी ना ये करने को दिखाने को। और बस थोड़ा सा ही डालेंगे तड़का, हो गया तेल गरम, इसमें डाल देंगे हम जीरा और एक कड़ी पत्ता, ठीक है, बस और कुछ नहीं डालना। बाकी थोड़ा सा प्याज जो कि मैंने पहले नहीं डाला था ऊपर से डाल देंगे, ये चटनी
अब इसमें पता क्या होगा, अब ये खटाई ना पक्की हो जाएगी जो अनारदाने की है ना वो। इसमें बस एक उबाल आने देते हैं, मैंने हल्दी नहीं डाली इसमें, डाल सकते हैं वैसे, डालनी हो। कड़ी पत्ते की ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, बस इसमें उबाल आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये कैम्बल, बस मैं ऐसे चलते चलते दिखाऊंगी इस वाली सब्जी को, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। थोड़े सी तड़का लगाना मैंने अब इसमें, ज्यादा नहीं। ये डंडी है ना पहले नहीं निकाली थी मैंने, क्योंकि हाथों में बहुत ज्यादा दूध लग रहा था, तो इस कुकर में ना ढंग से नहीं उबले ये, मैंने दूसरे कुकर में उबाले थे ना आज, तो उसमें ढंग से नहीं उबाल आया इनमें, क्योंकि सुबह की ना बची हुई है वो सब्जी, क्या बोलते उसको, घिया और चना दाल, तो उसको हन्नी बिल्कुल नहीं खाता और शानू ये नहीं खाता, तो नखरे इनके, तो बस थोड़ी सी मैं ये तड़क दूंगी, थोड़ा सा सुबह का बचा हुआ है, फिर हो जाएगा हमारा बढ़िया। ये लो जी, इसको लगाऊंगी सुबह तड़का, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी हमारे बढ़िया उबाल आ गए, अभी ना तो खराब होगी और हमारा अनारदाना भी बढ़िया पक गया, ठीक है। तो अभी मैं बंद कर देती हूँ गैस, बस। तो अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ इससे, पता दिन को किया था मैंने ये, और फिर मेरे को टाइम नहीं लगा उसके बाद, नहीं ताजा ताजा ना जल्दी निकल जाता है। अब इसमें बहुत सारा फंस चुका है, मुझे ना ऑनलाइन मंगवाना है। वो बड़े वाला होता है जो मलाई से मक्खन निकालता है ना, वो कुछ बड़े वाला होता है। ये ताजा ताजा मक्खन है, तो अब इसको हम धो देंगे, फिर देखती हूँ मैं अगर मैंने बनानी होगी इसका घी तो ठीक है, नहीं तो ना फिर मक्खन भी टेस्टी होता है खाने को ना, घर का ताजा मक्खन। ये देखिए मक्खी भी आ रही है, मैंने वो डाल दी, दही डाल दिया मैंने इसमें, इसमें ढक के। चलिए फटाफट से तड़का थोड़े से किए मैंने, ये ना थोड़े कच्चे रह गए थे, ठीक है। जीरा और ये मिर्ची और ये कड़ी पत्ता, प्याज, टमाटर और डालेंगे नमक और हल्दी। तो चलो अभी डाल देते हैं, ये मैंने कैंडल जो थोड़े से ये किए, क्योंकि ये पके नहीं है मेरे को ना, सुबह इनको दोबारा से उबाला, ये अच्छी तरह से नहीं उबले हैं, तो फिर मैंने ना इनको थोड़े से ये करे। तो
गई। तो मैं लगी हूँ खाना खाने, और ये भुर्जी मैं जितनी भी बार खाऊं ना मेरा मन ही नहीं भरता, इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है, जितनी बार भी खाऊं ना। कभी ऐसा होता है ना भी नहीं अपनी खानी ना। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ।